मेरी बहनें, अन्य अतिथिगण, मैं महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। राष्ट्र महिला आयोग की तरफ से मेरी ओर से आप सबको शुभकामनाएं और बधाई। मेरे विचार से एक दिन नहीं, वर्ष का हर दिन महिला दिवस होता है, और हमारे परिवारों में, मुझे लगता है भारतीय संस्कृति में, महिलाओं के बिना ना परिवार, ना समाज और ना देश कुछ भी नहीं चलता। तो जहाँ हम भारतीय दर्शन की बात करते हैं और वैदिक युग की बात करते हैं, तो वहाँ महिलाएं सशक्त थी, अपने डिसीजंस खुद ले सकती थी, पढ़ाई लिखाई हो या दर्शन की दर्शन हो, या आप ये सोचें कि युद्ध का मैदान हो या फिर तख्ते ताऊस हो, सभी जगह महिलाएं थी। राजपाट में भी महिलाएं हिस्सा लेती थी। कहीं ना कहीं क्यों ऐसी त्रुटि आई कि महिला दिवस मनाने की या महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात करने की ज़रूरत भी पड़ने लगी, क्योंकि महिलाएं तो हमेशा से एम्पावर थी, हैं और रहेंगी। हमें अपने आप को एम्पावर समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हम पेट्रियार्कल सोच की बात अगर करें तो महिलाओं में भी पेट्रियार्कल सोच आने लगी। जब देश में बाहरी व्यक्ति आकर हमारे यहाँ राज करने लगे, जब बाहरी विदेशी ताकतें आने लगी देश में, तभी ऐसा हुआ कि समाज में त्रुटियाँ आने लगी। नहीं तो भारत और भारत के साथ नारी अगर जोड़ें तो मुझे नहीं लगता कि विश्व में किसी भी देश में इतनी एम्पावरमेंट या सशक्त नारी हुआ करती थी। आज समाज, अगर हम परिवार की बात करें, तो जिस देश में पृथ्वी को माँ समझा जाता है, जिस देश में प्रकृति को माँ समझा जाता है, जिस देश को माँ समझा जाता है, वहाँ पर परिवार में मुझे लगता है स्त्री जो है वो धुरी होती है, उसके आसपास पूरा परिवार घूमता है। फिर भी आज सामाजिक सोच में क्या गिरावट आई कि हम जैसी राष्ट्र महिला आयोग की ज़रूरत पड़ने लगी, या फिर राष्ट्र महिला आयोग में अधिक से अधिक कंप्लेंट्स जो हैं या शिकायतें जो हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस की, घरेलू हिंसा की होने लगी। जब हम कहते हैं कि नारी जो है धुरी है परिवार की, तो वो घरेलू हिंसा कैसे सहने लगी और कैसे होने लगी? कहाँ से ये विचार बदले कि आप हाथ उठा सकते हैं अपने घर की महिला पर, या आप उसको दहेज ना लाने के लिए वापस घर भेज सकते हैं? या ये कहाँ से इम्पॉर्टेंट हो गया कि नारी के पैदा, बच्ची के पैदा होते ही हम ये कहने लगे कि ये पराई हो गई? ये कहाँ से होने लगा कि हम बच्ची को पैदा होने से ही ये कहने लगे कि ये दूसरे घर जाएगी तो उसको शिक्षा की ज़रूरत नहीं, उसको किसी भी, उसको ऐसे पाला जाए कि वो दूसरे की अमानत हो? यदि अपने माँ बाप उसको दूसरे की अमानत की तरह पाले, और जहाँ वो जाए और वो कहे वो तो दूसरे घर से आई है, तो वो, मुझे नहीं लगता वो नारी कहाँ की होगी, किस घर की होगी? तो माँ बाप जो पैदा करते हैं, उनको सिर्फ दूसरे के घर के लिए नहीं पैदा करना, उनको पैदा करना है एक अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए, एक सुदृढ़ नारी बनाने के लिए। वो व्यक्ति जो अपने डिसीजंस खुद ले सके, वो वैसे ही पाले जैसे वो अपने बेटे को पालते हैं। और ये सामाजिक सोच में अगर थोड़ा सा बदलाव आ जाए, तो हमारे देश में वो सब कुछ है जो नारी को ज़रूरत है पूरे फलने फूलने की। हमारे देश में जब संविधान बना, तो एक ऐसा देश, पहला देश था जिसमें संविधान बनते ही हमारी सभी राइट्स इक्वल थे। हमारे मेल फीमेल में कोई भी अलग अलग राइट्स की बात नहीं थी। जहां उस टाइम 1947-50 में लोग जूझ रहे थे वेस्टर्न वर्ल्ड में, महिलाएं लड़ रही थी वोटिंग राइट के लिए, वहां पर हमारे यहाँ महिलाएं राजनीति में भी बढ़ चढ़ का हिस्सा ले रही थी। हमारी पहली
विमेन प्राइम मिनिस्टर जब हुई तो वेस्टर्न कंट्रीज के कुछ देशों में महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं मिला था। तो हम बहुत ज़्यादा वेस्टर्न वर्ल्ड से इम्पावर्ड हैं पहले से। हम उनको लुकअप करते हैं और हम उनको कहते हैं कि वहाँ की लड़कियाँ ज़्यादा एम्पावर्ड हैं, ऐसा है नहीं। आज हमारे प्रधानमंत्री नारी शक्ति और नारी वंदन अधिनियम जब लेके आए और नारी शक्ति की बात करते रहे 2014 से, जब से वो प्रधानमंत्री बने या उससे पहले वो चीफ मिनिस्टर भी थे, उन्होंने जिस तरह से गुजरात में काम किया और उसके बाद 14 से जब प्रधानमंत्री की तरह वो लाल किले से बोलने लगे, तो पहली बात उन्होंने महिलाओं की बात करी थी। और जब उन्होंने स्वच्छता की बात करी थी या हर घर में टॉयलेट्स की बात करी थी, तो वो भी महिलाओं को देखते हुए कहा था कि ये इज्जत घर है उनके लिए, उनको बाहर ना जाना पड़े। वहाँ से लेकर नारी वंदन अधिनियम तक जितनी भी स्कीम्स बनी हैं, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो या महिलाओं को MSME में काम करने की ज़रूरत हो या कुछ भी, कोई भी स्कीम हो, बैंकिंग की स्कीम हो, मातृत्व वंदना योजना हो, मैं योजनाओं की झड़ी लगा सकती हूँ यहाँ पर। इतनी सारी योजनाओं के साथ मुझे नहीं लगता आज तक कोई भी सरकार आई हो या नारी शक्ति का इस तरह से बात और चर्चा होने लगी हो। चाहे आप देखिए विज्ञान में या आप देखिए टेक्नोलॉजी में या आप देखिए सेना में, आज महिलाएं हर जगह मिलेंगी। सैनिक स्कूलों में भी, जो एक टाइम ये माना जाता था कि केवल लड़के हमारे पढ़ सकते हैं, आज सैनिक स्कूलों में भी लड़कियां पढ़ रही हैं। अगर इलेक्शंस देखें, आज सरकारें बनाने और बिगाड़ने में महिलाओं का बहुत बड़ा रूप है। आपने पिछले बहुत सारे इलेक्शंस देखे और अब सभी पार्टीज इस बात पे जोर देने लगी हैं कि महिलाओं को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि नारी जब एक बार सोच लेती है तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा उनकी मुट्ठी में और कौन मुख्यमंत्री बनेगा उनकी मुट्ठी में। लेकिन इसके साथ साथ कुछ सरकारें, मैं इसकी भी बात करना चाहूँगी कि फ्रीबीज देने के, वो सोचते हैं महिलाएं कमज़ोर हैं और उनको 1,000 रुपया महीना दे दें और शायद वो उससे सुदृढ़ हो जाएं या उससे हम पक्का कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता महिलाओं को भिक्षा की ज़रूरत है, भीख की ज़रूरत है। 1,000 रुपये में हम कितने एम्पावर्ड हो जाएंगे। हमें एम्पावर करा जा सकता है एजुकेशन देकर, जो हमारी सरकारें करती आई हैं। फ्री एजुकेशन दीजिए आप, अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए, जैसे अपने लड़कों को देते हैं परिवार में, पहले माँ बाप जैसे देते हैं, सरकार में जैसे लड़कों को देते हैं या आदमियों को देते हैं, वैसे ही अगर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ महिलाओं को मिलने लगे तो मुझे नहीं लगता महिलाएं पीछे हटेंगी। और आज महिलाएं किसी भी रूप में पीछे नहीं हैं। और दूसरी चीज़ मुझे आज जो बहुत इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कहना है कि आप जो भी सुन रहे हैं, अपनी बेटियों को इक्वल प्रॉपर्टी भी दीजिए। हमारी सरकार ने, हमारे लॉज ने इक्वल प्रॉपर्टी राइट बनाया है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज के दबाव में ना तो माँ बाप उसको दे सकते हैं और ना ही बच्चियाँ पीछे हट जाती हैं कि नहीं, हमें अपने बेटों अपने भाइयों से रिश्ते बना के रखने हैं, इसलिए हमें प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप उसको सोशली, पॉलिटिकली, एजुकेशन वाइज एम्पावर करें। तो महिलाएं, जो हम कहते हैं 50% हमारी जनसंख्या है, यदि वो हमारी GDP का हिस्सा बनती हैं, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री की जो सोच है कि 2047 में हम दुनिया का नंबर 1 देश होंगे, वो ज़रूर होंगे। लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम आर्थिक रूप से भी सशक्त हों, वर्कफोर्स का हिस्सा बने, काम करें और आगे बढ़ें। जहाँ तक राष्ट्र महिला आयोग की बात है, हमने पिछले कुछ वर्षों में इसकी कार्य प्रणाली ही चेंज कर डाली। पहले ये सोचा जाता था कि हमारे यहाँ केवल और केवल शिकायतें ली जाती हैं और हम शिकायतों पर काम करते हैं, लेकिन अभी पिछले कुछ वर्षों से हम ना केवल शिकायतों पे काम कर रहे हैं, लेकिन हम
उन चीजों पे काम कर रहे हैं ताकि महिला इतनी सशक्त हो कि वो अपनी शिकायतों पे अपने आप काम कर सके, उसे शिकायतें होने की उसे प्रॉब्लम ही ना आए। तो प्रॉब्लम्स आती क्यों है? अगर हमारे पास शिकायत आती है तो पुलिस नहीं सुनती है, क्योंकि पुलिस जो है वो जेंडर इक्वालिटी पे बिलीव नहीं करा करती थी, कहूँगी। आज बहुत बदलाव आ गया है, पुलिस सुनती नहीं जब महिला उस तक पहुँचती है। तो हमने जेंडर सेंसिटाइजेशन पुलिस का शुरू किया और देश भर में हम पुलिस का जेंडर सेंसिटाइजेशन कर रहे हैं। महिलाएं क्यों सहती थी? क्योंकि उनको अपने लीगल राइट्स का नहीं पता। तो हम देश भर की महिलाओं को उनके लीगल राइट्स के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हम हर एक तालुका में जाकर, हर एक गांव शहर में जाकर उनको लीगल राइट्स का बता रहे हैं ताकि वो आगे आएं। और अगर FIRs ज़्यादा हो रही हैं, अगर शिकायतें ज़्यादा हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि महिलाओं को आज अपने लीगल राइट्स की जानकारी है, इसीलिए वो आगे बढ़ रही हैं। महिलाएं क्यों नहीं सशक्त हो पाती थी? क्योंकि उनको अपना पैसा कमाने का नहीं मालूम था। तो आज हम उनको खुद को एम्पावर करने के लिए स्कूल कॉलेजेस में उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं। कैसे वो अपना रेज्यूमे लिखें, कैसे वो इंटरव्यूज़ में पेश आए, किस प्रकार से नौकरी मिलने में उनको हेल्प हो। महिलाएं क्यों नहीं सशक्त हो पाती थी? क्योंकि उनको अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है वो नहीं पता था। तो हम उनको सिखा रहे हैं कि आप एंटरप्रेन्योर कैसे बनो। हम उनके साथ IIM के साथ अलग अलग कोर्सेज करा रहे हैं, जहां वो अगर वो 10वीं पास भी है और छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहती है तो वो अपना बिजनेस शुरू कर सकती है। महिलाओं को बहुत सारी कमियां थी, जो हम उनकी कमियां हम अलग अलग कार्यक्रमों के द्वारा दूर कर रहे हैं। हमने एक हेल्पलाइन बनाई है। ऐसा होता था कि NCW 9 से 5 केवल उन दिनों पर जब ऑफिस खुले होते थे तब महिलाएं हम तक पहुंच सकती थी। तो अब 24 घंटे की हेल्पलाइन है जहां वो हम तक पहुंच सकती है। बहुत सारी नई नई चीज़ें, नई नई सोच हमने, इस बार का हमारा थीम है, अगर आप महिला दिवस पे हमारे साथ विज्ञान भवन में जुड़ेंगे, 7 तारीख को है, मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ। तो उसका हमारा थीम है तू बोल। केवल 2 शब्द लेकिन बहुत एम्पावर्ड शब्द। महिलाओं को आज तक ये कहा गया था कि 1 चुप 100 सुख, लेकिन चुप्पी में कितना सहती थी महिला, मैं महिला होते हुए सोच सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी बचपन में कहा जाता था कि बोलना नहीं है, जवाब नहीं देना है। वो जवाब नहीं देना देना सीखते सीखते, अगर तुम शादी के बाद जा रही हो तो जवाब नहीं देना है अपने, ये सिखाया गया था। और उसके कारण ही हम महिलाएं सहती रही हैं, और वो सहने के ऊपर हमें देवी बना दिया जाता है कि ये सहती है तो देवी है, लेकिन सहना नहीं है, चुप नहीं रहना है, बोलना है। बोलना ठीक प्लेटफॉर्म पे है, ये भी बहुत समय पे बोलिए और सही जगह पे बोलिए, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है हमारे पास। यदि हम पुलिस के पास नहीं जाकर और हम सोशल मीडिया पर ही लिख रहे हैं कि हमें ये तकलीफ है, तो आपकी तकलीफ कैसे दूर होगी? अगर आप राष्ट्र महिला आयोग के पास नहीं पहुंच रहे हैं और आप सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि राष्ट्र महिला आयोग कुछ करती नहीं, मेरे साथ ये हो रहा है, तो मुझे नहीं पता कि घर बैठे आपके पास क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। आपको आगे बढ़कर बोलना पड़ेगा, और इसीलिए हमने ये थीम रखा है तू बोल। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, जो बोलता है उसको प्रूव भी करना पड़ता है। तो बोलेंगे तो जिम्मेवारी के साथ बोलिए और आगे बढ़िए। इसी के साथ मैं आकाशवाणी को धन्यवाद देना चाहूँगी, आज उन्होंने मुझे बुलाया, आप सबके साथ रूबरू होने का मौका दिया। धन्यवाद। जय भारत।